चंबा प्रोग्रेसिव काउंसिल की बैठक का आयोजन चंबा के लक्ष्मण क्लब में किया गया। इस बैठक में संस्था के सदस्यों द्वारा जिला में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर चिंता जाहिर की गई। काउंसिल के सदस्यों का कहना है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोरोना के मामलों पर रोक लगाने के लिए तुरंत कोई नए नियम लगाए ताकि जिला में कोरोना का प्रभाव कम हो। वहीं इस दौरान उनके द्वारा नगर परिषद चंबा द्वारा चौगान नंबर 2 और 3 में घास उगाने के कार्य को शुरू करने पर नगर परिषद की सराहना भी की गई। पहले हमारा ये पॉइंट रहा कि हमने जो प्रोग्रेसिव काउंसिल ने 2-3 पॉइंट रखे थे चौगान नंबर 2 और 3 को खाली करवाने का, तो हम आपके माध्यम से विश्व कमेटी चंबा को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने चौगान नंबर 2 को रेनोवेट किया और चौगान नंबर 3 को जो टैक्सी स्टैंड था वो खाली कर दिया। हमारी तरफ से हमारा ये मानना है कि काफ़ी अचीवमेंट है कमेटी की, तो इसलिए हम आपका द्वारा धन्यवाद करते हैं। एक और बड़ा वैलिड पॉइंट है चंबा वालों वासियों के लिए, वो भी मैं प्रशासन की उस पर लाना चाहता हूँ कि चंबा इज नॉट ए प्लेस, इट इज़ ए थियोक्रेटिक फीलिंग। हमारे हर मोहल्ला में मंदिर है, चारों तरफ हमारे देवी देवताओं का वास है। मुझे तो ये लगता है कि चंबा जो प्रोग्रेस नहीं कर रहा तो उनकी कृपा से भी कर सकता है, हो सकता है उनकी कृपा भी रही हो हमारे ऊपर। लेकिन एक पॉइंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये हमें बताया जा रहा है कि 100 मीटर की दूरी पे किसी मंदिर के कोई भी कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन नहीं कर सकते, तो इसके बारे में हमें प्रशासन के ये बताना चाहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है चंबा में, तो हमारा ये मानना है कि प्रशासन इस बारे में सोचे। चंबा प्रोग्रेसिव काउंसिल की मीटिंग लक्ष्मण क्लब में हुई, सदस्यों का ये कहना था कि ये जो रोज का जो कोरोना का केसेस रोज चंबा में बढ़ रहे हैं ये बहुत चिंताजनक है। जब पहली लहर थी और सेकंड लहर थी उस वक्त चंबा का नाम बिल्कुल 10वें नंबर था, हमारे से कम से लाहौर और कन्नौर हुआ करता था, लेकिन आज ऐसी पोजीशन आ गई है कि चंबा हम एक महीने से देख रहे हैं कि हम टॉप पे जा रहे हैं। कुल्लू मंडी बिलासपुर सोलन हमीरपुर शिमला ये सब 200-500 के केसेस होते थे और चंबा के ज्यादा 20 और 15, लेकिन अगर आप अखबार उठा के देख लें तो आपको दिखाई देगा कि भाई ये चंबा जो है 1-2 महीने से जो है टॉप पे जा रहा है। हमने जैसे सदस्यों ने कहा कि ये चिंता की बात है, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से सीएमओ हॉस्पिटल सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका कोई ना कोई उपाय किया जाए ताकि चंबा में ये जो कोरोना की महामारी है इससे हम बच सकें। दूसरी बात यह है कि हमने म्यूनिसिपल कमेटी से रिक्वेस्ट की थी और खासकर नीलम नैयर प्रेसिडेंट से कि 2 नंबर चौहान और 3 नंबर चौहान के टैक्सी स्टैंड वहां से हटाया जाए। हम उनके बाद आभारी हैं कि हमारी जो 2 समस्या थी उनको उन्होंने हमारा बात मान ली और अब आपको जैसे सभी को मालूम 2 नंबर चौहान में घास लगाना शुरू हो गया है और 3 नंबर में टैक्सी स्टैंड भी बंद हो गया है। हम उन भाइयों को भी बहुत आभारी हैं जिन्होंने वहाँ पर टैक्सी लगाई थी, उन्होंने भी उठाते वक्त पूरा कोऑपरेट किया और आज जब वहाँ पर सारे चुपान पांचों में घास लग जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा सुंदर चंबा दिखाई देगा कि उस टाइम में ये जो पांचों चुपान थे इसमें घास लगी हुई थी। कुछ हमारे जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनका कहना यह था कि हम जब मीटिंग अटेंड करने या बाजार में कहीं भी आते हैं तो रायपुरा से अगर हम आए या सरौल से आए तो हमें कोई भी बस की साधन नहीं है, पीछे से बसें भरी हुई आती हैं और हम अगर कोई खड़ा भी कर दे तो हम बुजुर्ग जो हैं खड़े होने के काबिल भी नहीं हैं। तो उन्होंने सदस्यों ने यह कहा था कि अब हम आराम से भी मिल रहे हैं, लेकिन सदस्यों का कहना था कि अगर कोई बस क्याणी से या रायपुरे से चल पड़े और पुराने बस अड्डे तक आ जाए तो ये जो सीनियर सिटीजन है इनको बहुत ही बहुत सहूलत का सहारा मिलेगा। ये हमारी आरएम साहब से ही प्रार्थना है और डीसी साहब भी हम खुद रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ से बस चलाई जाए या रायपुरे से चलाई जाए या क्याणी से और आती सरौल से होती हुई है पुराने बस अड्डे तक जाए।
हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का YouTube चैनल और Facebook पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।